दोस्तों, कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे चेक करते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन कैसे चेक करते हैं, जो भी इनकी स्ट्राइक आती है, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक कम्युनिटी गाइडलाइन से कोई स्ट्राइक आ चुकी है तो उसको आपको चेक करना है, तो कैसे हम चेक करेंगे आज के वीडियो में यही जानने वाले हैं। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहे, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरह के यूट्यूब से रिलेटिव, फोन से रिलेटिव, सेटिंग से रिलेटिव, टेक्नोलॉजी से रिलेटिव सारे वीडियोस लाता रहता हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले तो हम क्राउन ब्राउजर में जाएंगे, वहीं पर वो चेक कर पाएंगे कि कॉपीराइट स्ट्राइक आई है या नहीं आई है, या आई है तो कितनी आई है। ठीक है, सो हम क्राउन ब्राउजर में ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद जो होम यूट्यूब है इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है ऊपर जो आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट पर जाएंगे, जिससे कंप्यूटर साइज पूरा सिस्टम हो जाएगा, पूरा फोन कंप्यूटर साइज हो जाएगा। इस तरह से कुछ ऑप्शंस है जो लैपटॉप कंप्यूटर में जिस तरह से ओपन होता है वो इस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एंड फिर हम जाएंगे जो अपनी प्रोफाइल से है कोने पर, उस प्रोफाइल पर हमारी जो प्रोफाइल डीपी लगी हुई है वहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है योर चैनल, ठीक है, जो लिखा हुआ योर चैनल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कस्टम चैनल को कस्टमाइज करें, जो लिखा हुआ है साइड में कस्टम योर चैनल, वहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे, यहाँ हमको आगे जो चलना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो यहाँ पर मैं क्लिक करने वाला हूँ उसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करने वाला, तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। डीपी के जस्ट नीचे जो डब्बे टाइप का कुछ बना हुआ है वहाँ पर हमने उसको यूट्यूब स्टूडियो बोलते हैं। ठीक है, यूट्यूब स्टूडियो में यहाँ पर चले गए हम। अब यहाँ पर जाने के बाद जो फर्स्ट लेवल पे ही यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपको कितनी स्ट्रिक लगी हुई है, कितनी कम्युनिटी गाइडलाइन लगी हुई है। मुझे मैंने गलती से डॉक्टर के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दिया था, स्टेटस डाल दिया था, तो मुझे चेतावनी दी गई थी, चेतावनी। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट बार आपको अगर आपने कोई गलती की है फर्स्ट बार, तो आपको एक चेतावनी दिया जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर चेतावनी, यहाँ पर जैसे कि मुझे चेतावनी दी गई है, मुझे स्ट्रिक नहीं आई, ओनली चेतावनी दी गई है कि आपको चेतावनी है या ये पहली बार है, तो हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। ठीक है, YouTube इस तरह से चेतावनी दे देता है। अगर आपने सेकेंड बार कोई गलती करते हो तो फिर आपको जो है यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइन एक पार की हुई है। यहाँ पर यहीं पर कम्युनिटी गाइडलाइन वन ऐसा लिखा जाता है, या कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आप कोई उल्लंघन करते हो तो कॉपीराइट स्ट्राइक वन या टू या थ्री ऐसा लिखा हुआ यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, मैं इसको ओपन, अगर आप इसको ओपन करके भी देखना चाहते हो तो मैं आपको इसको ओपन करके बता देता हूँ। जैसे चेतावनी पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर भी पूरा सिस्टम लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने यहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, कॉपीराइट स्ट्राइक वन, कॉपीराइट स्ट्राइक टू या थ्री, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मुझे चेतावनी लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने वो वीडियो को डिलीट कर दिया था, इसलिए वो इस तरह के कुछ ऑप्शन आ गए हुए हैं। यहाँ पर नीचे की साइड इस तरह से कॉपीराइट स्ट्राइक वन, कॉपीराइट स्ट्राइक टू, थ्री ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, डेट भी लिखी हुई आएगी यहाँ पर, तो कुछ टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, एंड सेकेंड चीज, अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ भी चुकी है तो मैं आई बटन में आपको मैं बता दूंगा कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे हटाते हैं। कम्युनिटी गाइडलाइन आ चुकी है तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से मेरा वीडियो देख सकते हो कि कॉपीराइट स्ट्राइक हम कैसे हटाएं एंड कम्युनिटी गाइडलाइन कैसे हटाएं। अगर आपका वीडियो, जो चैनल आपका यूट्यूब चैनल है, सस्पेंड हो चुका है तो उसको कैसे ओपन करें वो भी मैंने उन वीडियो में बताया हुआ है। तो लाइन से मैं आई बटन में दे दूं, आप वहां से देख सकते हो आराम से, या अगर आप आई बटन में नहीं दिखेगा तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में वहाँ पर दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे हटाए, एप्लेक्स कंपनी से कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है तो वहाँ कैसे हटाए, एंड आपका वीडियो सस्पेंड हो गया है, यूट्यूब चैनल सस्पेंड हो गया तो उसको कैसे वापस ओपन करें, वो सारा सिस्टम है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख कर जेन्युइन तरीके से निकाल लेना, आपका जो चैनल ओपन कर लेना। इसी तरह के वीडियोस मैं लाता रहूँगा हमेशा, एंड अगर कोई मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के यूट्यूब से रिलेटिव, टेक्नोलॉजी से रिलेटिव, सेटिंग से रिलेटिव, फ़ोन से रिलेटिव सारे वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। कोई भी गला चेक हुआ तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो, एंड दुआ में याद रखना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।